मथुरा शहर के फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले गरीब मजदूर अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के नेता नरेंद्र सिंह ने प्रशासन के रवैये पर गरीबों के साथ हो रहे वर्ताप को लेकर सवाल खड़े किए। मथुरा में गुरुद्वारा से जवाहर पुल तक सड़क किनारे दुकान चलाने वाले अस्थायी दुकानदार प्रशासन के रवैये से आहत हैं। इस संबंध में रालोद नेता नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये दुकानदार कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में अपना ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के नेता नरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशासन गरीबों के पेट पर लात मार रहा है। अब से पहले नगर निगम इन्हीं दुकानदारों से टैक्स वसूला करता था, अब उन्हें एकाएक वहां से हटाया जा रहा है, जबकि सभी दुकानदार यहां 20 से 30 वर्षों से काबिज हैं। बता दें, गरीब दुकानदारों ने रालोद नेता नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में अपना ज्ञापन भी सौंपा और अपने लिए रहन की मांग की। देखिए, मैं कई बार आ चुका हूँ, गरीबों की समस्या है, ढकेल फेरी और खमचे लगाने वालों की समस्या है। और ये होली गेट से करीब 500 मीटर दूर है गुरुद्वारे से लेकर जवाहरा तक, और पिछले 30 साल से लगा रहा है, कोई 25 साल से लगा रहा है, कोई 40 साल से लगा रहा है। बराबर किराया नामा भी नगर निगम को, नगर पालिका को दिया जा रहा था, लेकिन अब इनके पेट पर लात पड़ रही है। त्यौहार के नाम पर इनको हटाया गया और अब इन्हें लगाने नहीं दे रहे और पुलिस वाले मार और रहे हैं। ऐसे क्या कारण है? कारण ये है कि साहब, स्वच्छ हो रहा है मथुरा, स्वच्छ भारत हो रहा है, मथुरा भी स्वच्छ हो रहा है, गरीबों के पेट पर लात। मोदी जी तो कह रहे हैं गरीबी हटाओ देश बचाओ, ये गरीबी हटाए दे रहे, गरीबों को ही हटाए दे रहे, गरीबी तो नहीं हट रही, ये जो पेट पाल रहे हैं अपने बच्चों का उससे भी ये वंचित किए जा रहे हैं। महिलाएं भी हैं जो ढकेल लगाती हैं, अपनी जूड़ी सुहाग का सामान बेचती हैं, वो लोग भी हैं, उनको भी पुलिस मार मार के भगा रही है। तो ये तो तरीका गलत है। अब प्रशासन से भाई, एसपी डीएम तो शहर के माता पिता की तरह होते हैं जिले के, अब यही अन्याय करेंगे तो फिर ये जो कहां जाएंगे रोने। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का प्रीमियम संस्थान PGS नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ, मथुरा भरतपुर रोड, मुढ़ेसी, मथुरा।